गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वन प्लस नॉट 3 के बारे में आज डिस्कस करेंगे गाइज इस वीडियो के थ्रू। तो वन प्लस नॉट स्मार्टफोन के बारे में बहुत सारे यूजर्स को डाउट था एंड कन्फर्मेशन डेट नहीं मालूम था, तो आज इस वीडियो में सारा कुछ कन्फर्म करने वाले हैं एंड क्लियर कर देंगे आप सभी का डाउट। तो बहुत सारे यूजर्स जो है कमेंट कर रहे थे मेरे को पिछली वीडियो पे, सो इसके स्पेसिफिकेशन एक बार और बता दो। तो मैं ये न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ, तो पहले अपन इसके अनबॉक्सिंग के बारे में बात करेंगे एंड देन उसके बाद स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, कौन सा इसमें डिस्प्ले लगने वाला है एंड कौन से फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें दिया गया है एंड कितना कौन से वेरिएंट में कितना जीबी वेरिएंट में आएगा। तो पहले बता दूं मैं गाइस, इसमें तो 120 हर्ट्ज़ का इसमें आपको डिस्प्ले दिया गया है एंड 6.3 इंचेस का इसमें कर्व डिस्प्ले दिया गया है, जो कि यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को इस फ़ोन में मिलेगा। एंड ज़्यादातर आपको देखने को सैमसंग के फ़ोन में कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, बट इस बार आपको वन प्लस नॉट 3 के स्मार्टफोन में आपको देखने को मिला है कर्व डिस्प्ले। एंड इसका दो वेरिएंट आएगा गाइस, 12256 और 8128। एंड वीडियो की क्वालिटी भी बहुत ही शानदार होने वाली है इसका। तो वीडियो की क्वालिटी के बारे में अगर बात कर ली जाए तो बहुत ही अच्छा इसकी वीडियो की क्वालिटी रहने वाली है, ठीक ना। तो क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो उसके हिसाब से आपको अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। आपको वन प्लस नॉट 3 के आपको एक नया वेरियंट बेस वेरियंट आपको अभी चाहें तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, चाइना में लॉन्च हो चुका है। वन प्लस नॉट 2 भी लॉन्च हो चुका है चाइना में, तो चाहे आप जाके अनबॉक्सिंग देख सकते हो, हमारे चैनल पर अपलोडेड है। वैसा ही आपको रिट्रैक्ट करके आपको ये फ़ोन देखने को इंडिया वर्जन में मिलेगा। एंड गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो गाइस बहुत ही अच्छा इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। देन उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो है आपको प्रोसेसर आपको डायनामिसिटी 8000 या फिर 9000 के आसपास देखने को इस फ़ोन में मिलने वाली है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी रहेगी इस फ़ोन की। एंड देन उसके बाद अगर आप गेमिंग के लिए पर्पज़ से इस फ़ोन को परचेस कर रहे हैं तो अंडर 30 के ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। इस फ़ोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, ठीक ना, चिपसेट के साथ। एंड इसके कैमरा सेंसर्स की बात कर लूँ मैं गाइस, तो इसके कैमरा सेंसर्स के 64+50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा एंड 32 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि आपको बेस्ट क्वालिटी इमेजेस प्रोवाइड करवा सकता है। आपको फ्यूचर के लिए अगर फ़ोन चाहिए या ये वाला फ्यूचर के लिए फ़ोन चाहिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट आपको प्राइस रेंज में मिलने वाला है। ये फ़ोन 30 के अंडर में आपको वन प्लस नॉट 3 प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको मैं बता दूंगा इस, अगर आप कोई नया फ़ोन लेने का सोच रहे हैं तो आपको 30 के रेंज में आपको ये फ़ोन लेना ज़रूर है, क्योंकि आप थोड़ा सा वेट करने के बाद ये लॉन्च होने वाला है फ़ोन। तो अगर आप इस फ़ोन को बाय करते हैं तो आप जो है एक अच्छा अमाउंट आपको सेव करने को मिल सकता है, ठीक ना। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड चार्जर वगैरह की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको 80 वॉट का यहाँ पर फ्लैगशिप चार्जर देखने को मिलेगा विथ 5000 mAh बैटरी के साथ, जो कि एक अच्छी बैटरी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई गई है यहाँ पर। जैसे कि मैं आपको बता दूंगा इस, यहाँ पर अगर आप चार्ज में लगाते हैं अपना ये फ़ोन तो आपको यहाँ पर 10% एक मिनट में आपको कंपनी की तरफ से बोला गया है कि 10 मिनट में एक मिनट में 10% करके देने वाला है, ठीक ना। तो मैं कैमरा क्वालिटी आपको कुछ इमेजेस आपको दिखाने वाला हूँ लास्ट में, तो अगर आपको भी कैमरा की क्वालिटी देखनी है इमेजेस की तो लास्ट में वीडियो तक बने रहिएगा। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब, और थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर लें, ठीक ना। तो मैं बता दूंगा इस आपको कि गेमिंग परफॉर्मेंस में जैसे कि आप लोग कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी एंड